सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे जो है स्नैपचैट के फिल्टर्स अपने लाइव स्ट्रीम पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे लाइव स्ट्रीम करते हो, इंस्टाग्राम पे, या फिर कहीं पे भी यूट्यूब पे, ट्विच पे, कहीं पे भी आप लाइव स्ट्रीम करते हो कोई गेम की, या फिर कोई भी लाइव स्ट्रीम करते हो, तो उसमें आप अपने स्नैपचैट के फिल्टर्स कैसे यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। देखिए, हर्ष बेनीवाल सर की दो वीडियोज़ आई थी, इन्होंने सोंटी और पोपलू करके दो कैरेक्टर दिखाए। ये देखिए, ये तो फ़ोन से शूट की गई है, इन्होंने मतलब बेबी फेस फिल्टर यूज़ किया इसमें। तो वैसे ही इन्होंने सेम अपने चैनल पे ही लाइव स्ट्रीम ट्राई की, सेम मतलब बेबी फेस फिल्टर यूज़ करते हुए। तो ये देखिए, सेम वही फिल्टर यूज़ कर रखा है इन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीम पे, वो भी दो दो वेबकैम के साथ। मतलब आप भी अपने गेम खेलते खेलते साथ फनी बना सकते हो अपनी स्ट्रीम को, अपने व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू टैब खोल लेना और यहाँ पे स्नैप कैमरा सर्च करना है। स्नैप कैमरा सर्च करके यहाँ एक पेज खुल जाएगा, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कैसे करना है वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप स्पेसिफिकेशन पढ़ लीजिएगा अपने जो पीसी है हिसाब से। उसके बाद नीचे आना है आपको, और यहाँ पे लाइसेंस पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना और एग्री करके, फिर उसके बाद आई एम नॉट रोबोट क्लिक कर देना है, या मेल ईमेल आईडी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डाउनलोड फॉर मैक और डाउनलोड फॉर पीसी आएगा, तो अपने पीसी के स्पेसिफिकेशन के अनुसार डाउनलोड कर लेना, आपका मैक है या विंडोज़ है। तो यहाँ विंडोज़ वाले यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, और फिर आपकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। और मैंने पहले से ही डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा स्नैप कैमरा, ये देखिए। तो आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको OBS अगर आपका चल रहा है स्टूडियो, जब आप लाइव स्ट्रीम करते हो तो आप OBS स्टूडियो से या फिर स्ट्रीम लैब्स करते हो, तो उसे पहले तो बंद कर देना है। फिर आपने सिंपली स्नैप कैमरे को खोलना है। स्नैप कैमरा खोल के तो पहले तो आगे गाइडलाइंस आएंगी, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो ये देखिए, ये मेरा पहले PC का वेबकैम खुला हुआ है, तो मैं इसे पहले अपने जो मैंने अलग से वेबकैम लगा रखा है, वेब कैमरा, उससे कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप जाके सेटिंग्स पे अपना वेबकैम चेंज कर सकते हो। तो गाइस देखिए, ये मेरा अपना जो लॉगिटेक का कैमरा है वो खुल गया है। तो आपने आप क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे फिल्टर्स है कई सारे, तो मैं सेम आपको ये देखो बेबी फेस वाला फ़िल्टर दिखाता हूँ। तो ये देखो बेबी फेस वाला फ़िल्टर आ गया, वैसे ही काफ़ी सारे और फिल्टर्स हैं, और फिर ये वाला फ़िल्टर है। तो अब मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे आप जो है इन फिल्टर्स को अपने लाइव स्ट्रीम्स में यूज़ कर सकते हो इजीली। तो इसके बाद आपको क्या करना है, स्नैपचैट कैमरा ऐसे खुला रहे और फिर अपना OBS स्टूडियो खोलना है। तो गाइस, जब आपका OBS स्टूडियो खुल जाए तो यहाँ पे आपको सीन्स और सोर्स के ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना सोर्स ऐड कर लेना। सबसे पहले तो हम अपना डिस्प्ले कैप्चर लोड कर लेंगे। तो ये देखिए, अब हमारा डिस्प्ले कैप्चर आ जाएगा, प्रॉपर्टीज़ ओके। तो ये हमारा डिस्प्ले कैप्चर आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने को वेबकम यूज़ करना है ना, तो वीडियो कैप्चर डिवाइस में हम यहाँ पे नाम दे देंगे उसको स्नैप कैम करके नाम दे देंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज़ खुलेंगे, इसमें देखिए इंटीग्रेटेड कैमरा, लॉगिटेक HD वेबकैम और स्नैप कैमरा। तो मुझे ये स्नैप कैमरा चूज़ करूँगा, तभी जो है मेरे स्नैप कैम के फिल्टर्स आएंगे। देखिए जैसे आ रहा है, तो स्नैप कैमरा करने पे आया। और अगर मैं लॉगिटेक करता या फिर इंटीग्रेटेड करता, लॉगिटेक करने पे जो मेरा नॉर्मल जो कैमरा है वो खुल जाता, लेकिन अभी वो यूज़ हो रहा है स्नैप कैम में, तो हम स्नैप कैम को ही खोलेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना आपको। तो ये देखिए, ये पूरे उसमें देखो कैम फिल्टर आ गया मेरे फेस पे। तो जैसे स्ट्रीमर्स करते हैं यहाँ पे अपना लगा के, फिर उसके बाद अपनी जो है लाइव स्ट्रीम चलाते हैं। तो आप ये जो है फिल्टर्स ही आप देख सकते हो कितने इंटरेस्टिंग है। अगर आपको चेंज करना है तो आपने स्नैप कैमरा पे नॉर्मल आना है, और जो भी है जैसे ये वाला हो गया, तो ये वाला फ़िल्टर जो हो गया, अब ये वाला फ़िल्टर यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपली यही है,
या आपको स्नैपकैम पे जाके फिल्टर सेलेक्ट करने हैं और फिर अपने लाइव स्ट्रीम में जाके स्ट्रीम स्टार्ट करके मुझ लेना है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। प्लीज़ प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी स्ट्रीम करते हैं या फिर स्ट्रीम देखते हैं, उन्हें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।